हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा नाश्ता, जो कि मैं सिर्फ एक कटोरी आटे में आपको बनाकर दिखाऊंगी और जो बच्चों और बड़ों को बहुत ही पसंद आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये हाफ कटोरी आटा लिया हुआ है, आप देख सकते हो। ये हम अपने एक कटोरी में उसमें डाल लेते हैं और ये हाफ कटोरी मैदा लिया हुआ है। फ्रेंड्स, ये रेस्टोरेंट में जब आप जाते हो और इसे खाते हो तो ये सिर्फ ओनली मैदा का बना हुआ होता है। मैं इसलिए इसमें आटा मिला रही हूँ क्योंकि आटा मिलाने से इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है और ये आपके लिए काफ़ी हेल्दी होता है। और अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और 1 स्पून घी। तो देखिए, ये 2 से 3 चम्मच में इसमें घी या ऑयल आप जो भी यूज़ करते हो इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये 2 से 3 चम्मच मैंने छोटे घी के इसमें डाल लिए हैं और अब हम इसे अच्छे से मैशर की सहायता से इसका पतला घोल बना लेते हैं। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसका काफ़ी बढ़िया घोल बनाकर तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती रहूँगी और इसका पतला घोल बनाकर आपको तैयार कर लेना है। इसमें आपको लम्स बिल्कुल नहीं रहने देने हैं। तो देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लिया है और इस मैशर की सहायता से मैं इसमें इसे फिर से एक ही डायरेक्शन में घुमा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बर्तन छोटा है इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बर्तन ले लेती हूँ। मैं इसे अपने इस भगोने में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ क्योंकि अभी इसमें हमने और भी पानी ऐड करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका आपको पतला घोल बनाना है। तो देखिए, आप देख सकते हो इसका यह घोल बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें हम हाफ गिलास पानी और डाल लेंगे। तो इसका काफ़ी पतला घोल हमने बना लिया है और अब हम इसे एक साइड में रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने गैस पर एक पैन रख लिया है और पैन में डालूंगी अब 2 से 3 चम्मच घी, या फिर आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। मैंने मीडियम चम्मच इसमें घी डाल लिया है और अब इसमें हम डालेंगे अपने मोटे कटे हुए प्याज, जो कि मैंने एक ऑनियंस काट लिया था, आप देख सकते हो। ये मैंने मीडियम एक ऑनियंस लिया हुआ है। और इसी के अंदर मैं डालूंगी कैप्सिकम, ये मैंने लंबे आकार में कैप्सिकम काट ली थी। आप चाहो तो आपके पास जो भी वेजिटेबल हो वो आप इसमें डाल सकते हैं, बंद गोभी हो या फिर कॉर्न वगैरह, जो भी वेजिटेबल है आपके पास हो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ये मैंने 1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। ये हम डाल रहे हैं इसमें जो मैगी में पैकेट निकलता है, वो मैगी मसाला पैकेट, ये मैगी मसाला है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और धीरे धीरे हल्का इन्हें भून लेते हैं। आपको इन्हें ज़्यादा नहीं भूनना है, बिल्कुल हल्का सा भूनना है। और अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हो तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसमें 1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लिया है। तो देखिए, ये हल्का हल्का फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपनी मैगी, जो कि मैंने जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया था। तो देखिए, ये मैंने मैगी को पहले ही बॉईल कर लिया था, वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसे बीच में से कट कर लेते हैं और इसे हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सभी मसाले ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। आपको नमक इसमें कम ही डालना है क्योंकि जो मैगी मसाला आता है उसमें पहले से ही नमक अवेलेबल होता है। तो आप इसमें सिर्फ 1 पिंच ही नमक डालिएगा। तो अब मैं इसे एक साइड में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो देखिए, हमारी ये मैगी बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखिए, मैं इसे एक साइड में अब रख लेती हूँ। ये मेरे पास थोड़े से कॉर्न है, मैं इसे इसमें थोड़े कॉर्न भी ऐड कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा ये मैगी बनकर, हमारी मैगी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे और इस पर रखेंगे अपना पानी, जो कि मैंने बॉयल होने के लिए पहले से ही रख रखा था। अब इसे फिर से मैं अपनी गैस पर रख देती हूँ
और इसके ऊपर रखेंगे हम छलनी, जिसमें कि हम चावल छानते हैं, बीच में छेद होते हैं इस प्रकार की, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा पानी अभी बॉईल नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी छलनी को अपने पानी के ऊपर ढक लिया है, आप देख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कि पेस्ट मैंने बना कर रखा था वो पेस्ट अब हम अपनी इस पर रखेंगे और इसे चारों तरफ फैला देंगे। आपको पेस्ट इतना ही पतला रखना है, ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं धीरे धीरे यह ऊपर से ड्राई होने लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं चारों तरफ से ड्राई हो चुका है। अब हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट को ऊपर से ग्रीस कर लेंगे। ये मैंने इस पर चिकनाई लगा ली है चारों तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हम अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। मैंने इसके चारों तरफ घी ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप लगा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स फिर से हम अपने पेस्ट को उठा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर अपना पेस्ट फैला लिया था, आप देख सकते हो। अब ये ऊपर से जब भी ड्राई हो जाएगी आप इसे उतार लोगे। तो मैं एक इनमें से उतार के आपको दिखा देती हूँ। देखिए यह बिल्कुल इतनी पतली बन जाती हैं। एक एक करके मैं सभी को इसी प्रकार फैला दूँगी। आपको इसमें 5 से 7 ये रोटियाँ बनाकर तैयार करनी हैं। जितनी आप बनाना चाहो उतनी पेस्ट अपना ज़्यादा बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो कभी कभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगले एक न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।